हम पहुंचने वाले हैं बस स्टैंड। बाय कर दो मामू को। बाय कू। ये बना है पास्ता और ये जा रहा है रूम में। बेबी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अवर चैनल। मॉर्निंग हो चुकी है और घर में और बाहर दोनों जगह बिल्कुल मायूसी छाई हुई है, क्योंकि वो भाई के जाने का समय आ चुका है। अब भाई वापस जाने वाला है, दो दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने मकेम फ्राई किया है विथ चाय और भाई को दे दिया है। सुबह के बजे हैं 7:15 और यहाँ पर वो भी एक मकेम खाया सिर्फ। और किट्टू कुहू दोनों उदास होकर मामू के आगे पीछे घूम रहे हैं। उन लोग को भी पता चल चुका है मामू जाने वाला है। तो यहाँ पे लगा रहा है भाई लॉक और यहाँ पे इसका बैग रेडी है। कहाँ जा रहे हो किट्टू? मामू चलो। मामू कहाँ जा रहे हैं बिट्टू? इन लोग रख रहे हैं कार में सामान, अब जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा आया था भाई, अब वो जा रहा है तो हम लोग उसे जा रहे हैं स्टॉप पे छोड़ने। मामू को जा रही है छोड़ने को? कहाँ छोड़ने जा रही हूँ? मामू कहाँ जा रहा है? छाडोल। हाँ, अब बस हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड। बाय। हाँ ठीक है, बाय कर दो मामू को। बाय कू। जा खेल रहा है और हस्बैंड गए फ्रूट्स लाने। हाँ, तो मामू चला गया टायो से और हम लोग अभी बस घर जा रहे हैं और फ्रूट्स लेने के लिए रुके हैं। मामू बाय। यहाँ पे हस्बैंड आ गए फ्रूट्स लेके। तो गाइस बस चला जाए घर, जाएंगे अब घर। पता नहीं घर में कैसा लगेगा, भाई था तो इतना अच्छा लग रहा था। चलो मम्मा, एक क्या पे स्पाइडर आई थी, दूसरी या आ थी तो आप के स्पाइडर पर विवान। सो देखो भाई चला गया और घर का हाल किस तरीके से है। मैं एक्चुअली भाई का मेड का वेट कर रही थी, भाई का वेट कर रही थी बट वो नहीं आई। उसके बाद अभी घर का हाल बहुत बुरा हो रखा है। अभी इतने कपड़े फोल्ड किए हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। लुक घर का हाल, यहाँ पे कुहू ने फांट कर के फेंका है और यहाँ पे देखो कचरा, ब्रेड खाए बच्चे वो सब गिरा हुआ है और सारा रूम ही बिल्कुल बुरा हालत हो रखा है। यहाँ भी देखो ऐसा फैला हुआ है। और किट्टू आ गया है, किट्टू सुबह 6 बजे उठ गया था इसलिए उसको नींद आ रही है। कुहू यहाँ पर पी रही है दूध। एंड लुक और दिखाती हूँ, बहुत बुरा हाल है मेरे घर का अभी। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाई हैं अभी, जस्ट इन लोग खा के गए हैं रूम में। किट्टू गया है, कुहू नहीं गई है। ये यहाँ फैला हुआ है घर का, नीचे का ये हाल है फ्लोर का। एंड इतने बर्तन पड़े हैं एंड यहाँ भी इस रूम का भी यही हाल है। टॉयज देखिए कैसे है, बच्चों के साथ यही है, घर को सेट करो दूसरे दिन। तो गाइज यहाँ पे भाई चला गया है घर में, चारों तरफ सन्नाटा। किट्टू भी रूम में जाके चुपचाप लेटा हुआ है एंड मैं लग गई हूँ काम में। बहुत ज़्यादा काम बचे थे, इतने सारे कपड़े थे सबको फोल्ड कर रही हूँ, दो दिन से फोल्ड नहीं किया था। घर को अरेंज करूँगी, कहीं पे तो मन लगाना ही है तो बस यही कामों में लग गई हूँ। यहाँ पे इतने सारे टॉयज़ उन लोग के फैले हुए हैं, टॉयज़ और जो भी सब सामान है सारा रूम में अरेंज कर लूँगी। अभी मैंने बेड सेट कर दिया है। यहाँ पे ये सारे टॉयज़ हैं, इन लोग के टॉयज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं मैं कहाँ रखूँ। बस ये वाला जो एरिया है ना टॉयज़ का है तो सब सेक्शन में मैंने भर दिया है। यहाँ पे झाड़ू वगैरह बचा हुआ है बट क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है। इस एरिया को भी मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके खाली कर दिया है, दो दिन से कपड़े फोल्ड नहीं किया था तो सब हटा दिया। अब यहाँ पे डस्टिंग करूँगी, उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू पोछा।
यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं, बट मुझे रूम में भी लगाना है झाड़ू, क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आज मैं सुबह अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब जगह हो गया है, यहाँ पे कचरा ला के रख लिया मैंने, अब बस रूम का बचा है। रूम से क्लियर करके आती हूँ मैं फटाक से। यहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, अगर करूँगी तो बच्चे उठ जाएंगे। फाइनली मेरा जो घर है बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, और मैंने मॉप भी कर लिया था, बट मैं आप लोगों को वीडियो पे नहीं बता पाई। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, 4:30 बज गए हैं दोपहर के। यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, पूरा सब कुछ सेट कर लिया, और बच्चे अभी सोए हुए हैं तो मैं आप लोगों को अंदर का वीडियो नहीं दिखाऊँगी। तो सारा घर मेरा अरेंज्ड हो गया है, बच्चे भी सोए हुए हैं, इसलिए मैं आपको उस रूम में ले नहीं जा सकती। बाकी मेरा अभी किचन बचा हुआ है, सभी मेरी किचन की क्लीनिंग बची हुई है, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में करने वाली हूँ। किचन मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, सब कुछ मैंने सेट कर लिया है, और यहाँ पे अभी सूखे कपड़े से पोंछना बाकी है। अब कुहू गर्मी से पूरी पसीने से नहा चुकी है, मैं इसको ले जा रही हूँ अंदर। तो शाम का टाइम होने वाला है, 5 बज गया है, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट चालू हो गई है। पीछे हमारा ग्रिल है वो खुला हुआ है, तो चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, और बज गए हैं 5। अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, जैसा कि मैंने बताया मैंने काम स्टार्ट किया था 3 बजे। मेरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग हो गया है, डस्टिंग, क्लीनिंग एंड ऑल काम हो गए हैं, एंड मेरा ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, माइग्रेन पेन चालू हो चुका है, और ये सर्वाइकल भी लग रहा है, और प्यास भी बहुत लगी है। तो मैं लेकर बैठी हूँ मिक्सचर और एक ग्लास पानी, आई थिंक ये 800 ml, 1 लीटर से थोड़ा कम होगा। मैं बस ये पानी पीऊँगी और मिलूँगी आप लोगों को सीधे सामने। और देखो मैं ना साफ काम करने का आदत नहीं है ना, बस कपड़े में धो रही थी तो मेरा कंगन भी टूट गया। ये देखो कांच के कंगन पहनती हूँ ना मैं, ये भी टूट गया है, ये भी पहनना है अभी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधे शाम में, अभी बहुत ज़्यादा थकान हो चुका है, थोड़ा रेस्ट किया जाए। सो गाइस डिनर पे बनाया है पास्ता, प्लेन पास्ता बनाया है, मेरे पास कोई वेजीज नहीं थी तो सिंपल बनाया है, चीज़ डालकर। और ये घर का आम है, ये बगल की एक आंटी, उन्होंने आम भेजा था तो वही कट किया है। अब जाते हैं सीधे रूम में। ये बना है पास्ता और ये जा रहा है रूम में। बेबी क्या खा रही हो? पास्ता। क्या अच्छा बना है? नाइस। अरे तो मैं बहुत ज्यादा यम्मी है। और ये क्या है? मांगो, घर का आम है ये तो, एक बगल वाली आंटी ने भेजा था। आज हमारा जो डिनर है ना हो रहा है रूम में, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, और यहाँ पे हम मेरा और हस्बैंड का है, ये एक्स्ट्रा है। कैसे बना है? फ्रेंड्स आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग व्लॉग को पूरा देखा करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। बच्चे हैं, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन्जॉय माई ब्लॉग। Do like, comment, share and subscribe our channel.